बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेएनयू हिंसा का मामला और फिलहाल सभी छात्रों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। हिंसा के बाद छात्र यहां पर कई घायल हुए थे। दरअसल कहा जा रहा है कि नकाबपोश कुछ लोग आए थे और इसी के साथ कई छात्रों पर हमला किया गया था। और फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि जो कल छात्र घायल हुए थे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, जेएनयू में हुए बवाल को लेकर, जेएनयू में हुई हिंसा के मामले को लेकर, जहां पर सभी छात्रों को फिलहाल जो घायल थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आयशी घोष उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो एम्स में कल रात ये भर्ती हुए थे। तो लगातार अपडेट्स जेएनयू हिंसा मामले को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर विरोध की तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी, हालांकि कल रात भी देखने को मिली, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार नजर बनाई हुई है। और आखिरकार इस बवाल के पीछे कौन है, कौन जिम्मेवार है, ये जानने की कोशिश। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।